माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की वीडियो में हम सीखेंगे फुल्ली ऑटोमेटेड स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। या इस रिपोर्ट कार्ड में जिस भी स्टूडेंट के रोल नंबर को आप दी गई ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे, उसी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड यहां पर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अभी यहां पर ये 9th क्लास के उत्कर्ष रावत का रिपोर्ट कार्ड यहां पर दिया गया है। अब यहां पर हम किसी अन्य स्टूडेंट का रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे 107। तो आप देख सकते हैं यहां पर 11th के स्टूडेंट नरेंद्र सिंह का रिपोर्ट कार्ड यहां पर तैयार हो गया है। यहां नीचे ग्रेड आ गया है और यहां फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसी तरह से किसी भी स्टूडेंट को यहां पर सेलेक्ट करेंगे तो उसका रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स की सभी इंफॉर्मेशन यहां डेटाबेस वाली शीट में दी हुई है। इसी डेटाबेस से ये रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है। तो आइए सीख लेते हैं इस फुल्ली ऑटोमेटेड रिपोर्ट कार्ड को तैयार करना। यहाँ पर देखिए, हमने एक स्टूडेंट्स का डेटाबेस लिया है। इस डेटाबेस में स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए गए हैं। इस शीट को हम नाम देंगे डेटाबेस। तो यहां से इसको रीनेम कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे और टाइप कर देंगे डेटाबेस। और अब ये शीट 1 पर आ जाएंगे। इस शीट को भी हम रीनेम करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे रिपोर्ट कार्ड। यहां पर हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। यहां पर हम टाइप कर देते हैं रिपोर्ट कार्ड। तो पहले हम रिपोर्ट कार्ड का डिजाइन तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ ये B2 सेल से लेकर B26 तक और ये कॉलम M तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। होम पर जाएंगे और यहाँ से कोई कलर फिल कर लेंगे। हम यहाँ पर कलर लेंगे ये। अब हम इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये फ्रेम शेप लेंगे और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ शेप में ये जो येलो आइकन है इसको पीछे की तरफ ड्रैग करके फ्रेम की विड्थ को कम कर देंगे, इतना रखेंगे। शेप फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाएंगे, यहाँ कलर लेंगे ब्लैक, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम इस फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट शेप पर जाएंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए ये जो ऑप्शन है मूव एंड साइज विद सेल्स, ये ऑप्शन सिलेक्टेड होना चाहिए। इससे क्या होगा, सेल्स की हाइट और विड्थ को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये फ्रेम वाली शेप ऑटोमेटिकली सेल्स की हाइट और विड्थ के साथ घटती बढ़ती रहेगी। यहां से इसको क्लोज कर देंगे। अब हम सबसे पहले यहां पर स्कूल का नाम टाइप करेंगे। इसके लिए हम यहां इंसर्ट पर जाएंगे और शेप्स पर जाएंगे और यहां से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे और यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम स्कूल नेम टाइप कर देंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहां से फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। फॉन्ट साइज हम रखेंगे 16। कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड करेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे हम यहां पर रेड। शेप फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाकर नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन कर देंगे इस तरह से। और इसको आप सेंटर में एडजस्ट कर देंगे और ये कॉलम ए की विड्थ को हम यहां पर कम कर देंगे, इतना रखेंगे। यहां पर एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर जाएंगे और यहां से ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे, यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम स्कूल एड्रेस टाइप करेंगे, जो भी स्कूल का एड्रेस है। टेक्स्ट बॉक्स के साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे, इतना रखेंगे। फॉन्ट साइज को यहां पर हम थोड़ा कम करेंगे, फॉन्ट साइज हम रखेंगे यहां पर 10 और यहां से फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, यहां पर ये डार्क ब्लू कर देंगे और कंट्रोल बी द्वारा बोल्ड कर देंगे। शेप फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाकर नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे।
और उसको यहां पर एडजस्ट करेंगे स्कूल नेम के नीचे। अब हम यहां पर ये फोन वाले आइकन को इंसर्ट करेंगे। देखिए ये जो आइकन है यहां पर, ये जो आइकन है, इस आइकन को यहां पर इंसर्ट करने के लिए आपके सिस्टम में नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसे ऑनलाइन सर्च करेंगे। तो इसके लिए हम यहां इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे और यहां आइकन्स पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे। यहां पर हम टाइप कर देंगे फोन। तो आप देख सकते हैं यहां पर फोन आइकन यहां पर आ गया है। यहां पर क्लिक कर देंगे और यहां से इंसर्ट कर लेंगे। तो ये शेप यहां पर इंसर्ट हो गई है। इसको यहां पर रख लेंगे। इसके साइज को यहां पर कम करेंगे और यहां पर रख देंगे और कम कर देंगे थोड़ा साइज। अब यहां पर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर जाएंगे और यहां से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम फोन नंबर टाइप करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इतना रखेंगे। शेप फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाकर नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे, यहां पर इसको एडजस्ट कर देंगे। और यहां पर हम टाइप कर देंगे सेशन, इसको यहां पर बोल्ड कर देंगे। अब यहां पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, इनको थोड़ा सा यहां सेंटर में अलाइन कर देंगे यहां पर। अब हम यहां पर एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट पर जाएंगे, शेप्स पर जाएंगे और यहां से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे, यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम टाइप करेंगे रिपोर्ट कार्ड, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट साइज करेंगे हम इसका 18। कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड करेंगे, यहां से सेंटर में अलाइन करेंगे, शेप फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पर जाकर नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे, होम पर जाएंगे और यहां से अंडरलाइन कर देंगे और इसको हम यहां सेंटर में रख लेंगे। अब यहां पर हम टाइप कर लेंगे सभी डिटेल्स, रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये कॉलम बी की विड्थ को हम कम कर देंगे, इतना रखेंगे और कॉलम सी की विड्थ को हम यहां पर बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अब हम यहां पर इन सभी डिटेल्स को टाइप कर लेंगे, थोड़ा सा विड्थ को कम कर लेंगे, इसको थोड़ा सा यहां पर एडजस्ट कर देंगे। यहां पर हम टाइप करेंगे रोल नंबर, इसके बाद में हम टाइप करेंगे क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड कर देंगे। अब ये कॉलम डी की विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेंगे हम यहां पर, इतना रखेंगे और यहां पर हम सभी में कॉलन लगा देंगे, सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी द्वारा बोल्ड कर देंगे। कॉलम सी की विड्थ को थोड़ा सा और कम कर लेंगे। अब यहां पर हम स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहां पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये डेटा पर जाएंगे और यहां पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहां अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहां सोर्स में हम सेल रेफरेंस दे देंगे। इसके लिए हम यहां ये डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और यहां पर इन रोल नंबर्स को पूरा सिलेक्ट कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे। अब देखेंगे यहां पर सभी रोल नंबर्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। यहां पर हम किसी एक स्टूडेंट के रोल नंबर को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर को सिलेक्ट करें तो उसका क्लास आ जाए, स्टूडेंट नेम आ जाए, फादर्स नेम आ जाए और डेट ऑफ बर्थ आ जाए। तो इसके लिए हम यहां पर वी लुकअप फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहां पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे। ये देखिए वी लुकअप फंक्शन यहां पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे यहां पर। वी लुकअप फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम यहां ये रोल नंबर वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे और F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड कर देंगे, कॉमा लगाएंगे
नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे, यानी एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से आप इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहां ये डेटाबेस वाली शीट पर आ जाएंगे और इसको ये रोल नंबर से लेकर पूरा सेलेक्ट कर देंगे और F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी वो इंफॉर्मेशन जिसे आप सर्च करना चाहते हैं वो कौन से कॉलम में है। तो क्योंकि अभी हम यहां पर क्लास सर्च कर रहे हैं स्टूडेंट का, तो क्लास है यहां पर पांचवें कॉलम में, तो इसके लिए हम यहां पर 5 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो रोल नंबर है 106 इस स्टूडेंट का क्लास यहां पर आ गया है। अब यहां पर हम बार बार VLOOKUP फंक्शन नहीं लगाएंगे बल्कि यहां से इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी द्वारा और इन सेल्स में कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे सभी में क्लास आ गया है। अब हम यहां पर सभी में कॉलम नंबर चेंज करते जाएंगे। तो यहां पर अब हम स्टूडेंट नेम के लिए इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फॉर्मूला विजिबल करेंगे। डेटाबेस में स्टूडेंट नेम है दूसरे कॉलम में, तो यहां पर 5 की जगह हम 2 टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टूडेंट नेम आ गया है। इसी तरह से अब हम ये फादर्स नेम वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फॉर्मूला विजिबल करेंगे। यहां पर फादर्स नेम है वहां डेटाबेस में तीसरे कॉलम में, तो यहां पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, 3 टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर फादर्स नेम आ गया है। इसी तरह से हम ये डेट ऑफ बर्थ वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फॉर्मूला विजिबल करेंगे और यहां पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ है वहां चौथे कॉलम में, तो यहां पर हम 4 टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करके होम पर जाएंगे और इसको डेट फॉर्मेट में कर देंगे। तो यहां पर ये शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर इस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी आ गया है। अब यहां पर जैसे ही हम किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे उसकी सभी डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। ये देखिए हमने यहां पर 108 उस स्टूडेंट की यहां पर डिटेल्स आ गई। अब इन सेल्स को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और यहां लेफ्ट में लाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहां पर हम अन्य डिटेल्स के लिए टेबल तैयार करेंगे, तो यहां हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे सब्जेक्ट, यहां पर टाइप करेंगे हम टोटल मार्क्स और यहां पर टाइप करेंगे पासिंग मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज पास या फिर फेल। तो हम यहां पर टाइप करेंगे पास / फेल। यहां पर इन सभी सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड करेंगे, कॉलम विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहां पर हम सब्जेक्ट्स टाइप करेंगे, तो इसके लिए हम यहां डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और यहां से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां रिपोर्ट कार्ड वाली शीट पर आएंगे और यहां पर कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे, यहां वैल्यूज पर क्लिक करेंगे और यहां ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे, यहां से ओके करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स यहां पर आ जाएंगे, कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड कर देंगे। यहां पर टोटल मार्क्स हम टाइप कर लेंगे और यहां पर पासिंग मार्क्स टाइप कर लेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। अब यहां पर सभी सेल्स में थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे, यहां बॉर्डर्स पर जाएंगे और यहां से थिक आउटसाइड बॉर्डर्स लगा देंगे। तो हम यहां पर सभी सेल्स में थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। ये हेडिंग्स वाली रो की विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और यहां पर मिडिल में अलाइन कर देंगे, कॉलम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से, इस कॉलम की विड्थ को भी थोड़ा बढ़ा देंगे और यहां से इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर देंगे जिससे कि अलाइनमेंट बना रहे। यहां से चाहे तो हम ये कॉलम को डिलीट कर सकते हैं इस तरह से और ये जो नेम्स हैं इनको हम थोड़ा सा सेंटर में अलाइन कर देंगे
यहां पर हम टाइप करेंगे टोटल मार्क्स, नीचे ऑब्टेन मार्क्स और यहां पर परसेंटेज। इन सेल्स में भी थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। तो यहां पर हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां होम पर जाएंगे और यहां से ये फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और यहां पर इसको फॉर्मेट कर देंगे। यहां पर इन सेल्स में भी हम थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे, इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में अलाइन करेंगे, इन सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में अलाइन करेंगे, यहां पर इन सेल्स को भी हम सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में अलाइन कर देंगे। अब यहां पर हम मार्क्स को ऑटोमेटिकली लाने के लिए VLOOKUP और मैच फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहां ऑब्टेन मार्क्स में इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। यहां पर VLOOKUP फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम यहां ये रोल नंबर वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें इस स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स यहां पर लाने हैं। F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे। इसके लिए हम यहां ये डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और ये टेबल को पूरा सिलेक्ट कर देंगे। यहां पर इसको भी F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम नंबर को ऑटोमेटिकली लाने के लिए हम यहां मैच फंक्शन का उपयोग करेंगे जिससे कि बार बार हमें मैनुअली कॉलम नंबर टाइप ना करना पड़े। यहां रिपोर्ट कार्ड वाली शीट पर आ जाएंगे और इसको यहां से हटा देंगे और यहां पर मैच टाइप करेंगे। ये देखिए मैच फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे यहां पर। अब यहां पर मैच फंक्शन का जो पहला आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम यहां ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट कर देंगे, इसको फिक्स्ड नहीं करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसको हमें कहां से मैच करना है तो इसके लिए हम ये डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और यहां से ये इन हेडिंग्स को पूरा सेलेक्ट कर देंगे, F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए मैच फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहां पर 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब VLOOKUP फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट हैं अजय सिंह, जिनका यहां पर ये रोल नंबर सिलेक्टेड है, उनके इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 84। यहां डेटाबेस वाली शीट पर देखेंगे ये आप देख सकते हैं यहां पर अजय सिंह के इंग्लिश में मार्क्स हैं 84। वापस रिपोर्ट कार्ड वाली शीट पर आ जाएंगे और इस सेल को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो अन्य सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे ही हम यहां पर रोल नंबर चेंज करेंगे तो यहां पर ये मार्क्स भी उसी स्टूडेंट के आ जाएंगे जिस स्टूडेंट का यहां पर रोल नंबर होगा। जैसे हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं अभी ये 111, तो आप देख सकते हैं यहां पर अब ये जो स्टूडेंट हैं अक्षय सिंह, इनके मार्क्स यहां पर आ गए हैं। एक बार यहां पर क्रॉस चेक कर लेंगे ये अक्षय सिंह के मार्क्स, इनका टोटल देख लेते हैं, इनका टोटल है 431। तो यहां ये डेटाबेस वाली शीट में आएंगे और ये अक्षय सिंह के टोटल को एक बार चेक कर लेंगे। ये यहां पर अक्षय सिंह के टोटल मार्क्स आ गए हैं 431 यहां पर भी, यानी डेटा बिल्कुल करेक्ट है। रिपोर्ट कार्ड वाली शीट पर आएंगे, अब यहां पर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और ये ऑब्टेन मार्क्स वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और ये टोटल मार्क्स वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। यहां से इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे और यहां होम पर जाएंगे और यहां पर इसे परसेंटेज फॉर्मेट में कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर सभी सब्जेक्ट्स के परसेंटेज यहां पर आ गए हैं। पास फेल के लिए हम यहां पर इफ कंडीशन का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम यहां इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे। ये देखिए फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। यहां पर इफ फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट और हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि यदि ये ऑब्टेन मार्क्स कम है पासिंग मार्क्स से
लेस देन का यहाँ पर साइन लगाएंगे और पासिंग मार्क्स वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए फेल। कॉमा लगाएंगे और डबल कोट के अंदर टाइप कर देंगे फेल। कॉमा लगाएंगे, देखिए नेक्स्ट आर्गुमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी यदि ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो हम चाहते हैं यहाँ पर आ जाए पास्ट, तो यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम पास्ट टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट्स में पास है। अब यहाँ पर हम किसी अन्य स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट यहाँ दो सब्जेक्ट में फेल है क्योंकि इसके ऑप्टेन मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम है। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स के लिए हम सम फंक्शन का उपयोग करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे। ये देखिए सम फंक्शन यहाँ पर है, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, टोटल मार्क्स वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। इसी तरह से अब हम ये ऑप्टेन मार्क्स के लिए यहाँ पर सम कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ देखिए परसेंटेज की स्पेलिंग गलत हो गई है, यह परसेंटेज के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको टोटल मार्क्स वाली सेल से और एंटर करेंगे। यहां पर भी हम इस सेल को परसेंटेज फॉर्मेट भी कर देंगे। यहां पर हम फाइनल रिजल्ट टाइप करेंगे और फाइनल रिजल्ट के लिए भी हम यहां पर इफ कंडीशन लगाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे और यहां पर हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है, यदि स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% के बराबर या उससे ज्यादा है तो पास्ट अन्यथा फेल। तो यहां पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स परसेंटेज वाली सेल को, और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और यहां पर टाइप करेंगे 60%। यानी यदि ये परसेंटेज 60% के बराबर या उससे ज्यादा है तो यहां पर लिखा जाए पास्ट, डबल कोट के अंदर यहां पर पास्ट टाइप कर देंगे और यदि कंडीशन मैच नहीं होती है तो यहां पर लिखा जाए फेल, यानी यदि स्टूडेंट के मार्क्स 60% से कम है तो यहां पर लिखा हुआ जाए फेल। तो यहां पर हम डबल कोट के अंदर फेल्ड टाइप कर देंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये स्टूडेंट पास हो गया है क्योंकि इसके मार्क्स 60% से ज्यादा है। सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहां सेंटर में अलाइन कर देंगे। अब यहां पर हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, यहां पर ग्रेड टाइप करेंगे, कोलन लगा देंगे यहां पर और हम चाहते हैं कि यहां पर ग्रेड भी ऑटोमेटिकली आ जाए। ग्रेड के लिए हम यहां पर कंडीशंस टाइप कर लेंगे, मान लीजिए हमारी यहां पर ये कंडीशंस हैं, यानी स्टूडेंट के मार्क्स यदि 0 से 74% तक हैं तो ग्रेड आना चाहिए नो ग्रेड, और यदि मार्क्स 75 से 84% तक हैं तो ग्रेड आना चाहिए सी, और 85 से यदि 94% तक हैं मार्क्स तो यहां पर ग्रेड आना चाहिए बी। देखिए ग्रेड कैलकुलेशन के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, ग्रेड कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादातर नेस्टेड इफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमने अपने वीडियो में इजीएस्ट फंक्शन का उपयोग करके बताया है। यहां पर भी हम उसी फंक्शन का उपयोग करेंगे, लुकअप फंक्शन का। तो इसके लिए हम यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, लुकअप टाइप करेंगे। ये देखिए लुकअप फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। लुकअप फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, इसके लिए हम यहां पर ये परसेंटेज वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वेक्टर, इसके लिए हम यहां पर इन परसेंटेज वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है रिजल्ट वेक्टर, तो इसके लिए हम यहां पर इन ग्रेड्स को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। यहां पर देखिए इस स्टूडेंट का ग्रेड आ गया है नो ग्रेड क्योंकि इसके मार्क्स यहां पर 75% से कम है। इसको भी हम यहां इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में अलाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहां पर हम किसी अन्य स्टूडेंट को यहां पर सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे हम। अब आप यहां पर देख सकते हैं ग्रेड कैलकुलेशन हो गई है, यहां से हम ग्रेड और बी के बीच में स्पेस दे देंगे इस तरह से। अब हम यहां पर इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे
और यहां से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे और यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम टाइप कर देंगे प्रिंसिपल, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे, होम पर जाएंगे, सेंटर में अलाइन करेंगे, मिडिल में अलाइन करेंगे, शेप फॉर्मेट पर जाकर शेप फिल पर जाकर नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी एक और कॉपी तैयार कर लेंगे और इसको हम यहां पर इधर रख लेंगे और इसमें हम टाइप कर देंगे कंट्रोलर। यहां पर इन ग्रेड्स को हाइड करने के लिए इनको सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कलर करेंगे यहां पर व्हाइट, आप देख सकते हैं यहां पर। और यहां से एक्सेल ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए यहां व्यू पर जाएंगे और यहां से ग्रिड लाइंस के सामने बने चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, सभी ग्रिड लाइंस यहां पर हट जाएंगी। अब यहां पर ये फुल्ली ऑटोमेटेड रिजल्ट कार्ड बनकर तैयार हो गया है। जिस भी स्टूडेंट के रोल नंबर को यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे उसी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड यहां पर तैयार हो जाएगा। यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे किसी अन्य स्टूडेंट के रोल नंबर को, हम यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं ये 107। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो स्टूडेंट है नरेंद्र नेगी, इसका रिपोर्ट कार्ड बनकर तैयार हो गया है। यहां पर ऑटोमेटिकली ग्रेड आ गया है, ऑटोमेटिकली फाइनल रिजल्ट आ गया है। किसी अन्य स्टूडेंट के रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है धीरज कुमार, इनका रिपोर्ट कार्ड यहां पर बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटेड रिजल्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।